नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं माता का दरबार सजा रही हूँ, तो आपके साथ छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये मैंने छोटा सा जो पाइप आते हैं प्लास्टिक के, उनसे ये छोटा सा पंडाल सा बनाया है। ये जो इस तरह से अटैच कर लिया है इसको, कुछ टी टाइप के आते हैं, कुछ इस तरह के आते हैं, इनसे हम जोड़ के इसको बना सकते हैं और जब चाहें इसको अलग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है और अभी इसको यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद जब चाहे निकाल के अलग रख दो, और जब भी गणपति जी आते हैं या फिर माता का नवरात्रि आते हैं, कोई भी ऐसा त्यौहार होता है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ हर बार। पिछली बार मैंने लकड़ी से बनवाया था तो वो ज़्यादा नहीं चला, अब इसको देखते हैं कितना चलेगा। तो अभी मैंने थोड़ा सा किया है, पीछे देखिए मैंने माता की चुनरी लगाई है और साइड में मैंने इस तरह से, ये नेट का एक फैब्रिक है तो इसको रस्सी से इस तरह से थोड़ा सा टांग दिया है। अभी मैं फटाफट से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो में बना नहीं पाई जब मैं इसको डेकोरेट कर रही थी, तो माता का दरबार बहुत ही सुंदर सज गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पास से। यहाँ पर मैंने सांझी माता लगाई है, देखिए हमारे यहाँ पर लगाई जाती हैं नवरात्रि में, और इनको हम मिट्टी से बनाते हैं, तो ये मैंने मिट्टी से बनाई हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और इस पर ये मोर और सूरज, चाँद और सेवादार, ये सब कुछ बनते हैं। नीचे कलश बनाए हैं और नौरते बनाए हैं, और ये कुछ इस फूल लगाते हैं चारों तरफ जिनको टिकली बोलते हैं, तो ये सब मैंने इसमें बनाए हैं। और मैंने जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे रख ली हैं। लड्डू गोपाल जी को भी मैं यहीं पर ले आई हूँ, क्योंकि उनकी भी सेवा करनी होती है, तो फिर मंदिर में डबल डबल इधर उधर जाना थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो मैंने यहीं पर लड्डू गोपाल जी को भी बिठा लिया, ताकि उनकी भी सुबह को उनको नहलाना वहलाना आराम से कर सकूँ। और जो भी ज़रूरी सामान था वो सब मैं यहाँ ले आई हूँ। माता की जितनी पोशाक वगैरह हैं, जो भी हवन का सामान, जो भी सुबह को चाहिएगा, जो भी पाठ की पुस्तकें हैं, वो सब मैंने यहीं पर सब रख ली हैं। तो अभी सब कुछ रेडी हो गया है, बाकी जो कलश स्थापना है और ज्वारे वगैरह पूजा, वो सब कल होगी। और आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, देखिए माता वैष्णो देवी का चोला है जो उन पर चढ़ा हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मतलब आशीर्वाद की तरह है। तो ये मैंने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर डाला हुआ है कि मैं इसके नीचे बैठ के यहाँ पर पूजा करूँगी, तो ऐसे लगेगा सिर्फ माँ का आशीर्वाद ही मिल रहा है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको माता की पोशाक दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। देखिए दो पोशाक मैंने ली हैं, एक तो येलो कलर की है और एक पिंक कलर की है। पोशाक मेरे पास काफ़ी है माता की, तो इसलिए मैंने दो ही ली थी। दोनों बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, और इसके साथ ही मैंने देखिए ये उनके कुछ हार लिए हैं, एक तो ये वाला और एक ये ली है माला। तो ऐसे ही मैंने एक दो हार और लिए हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे कुछ पहली पोशाक रखी हुई है माता की, देखिए सारे माता के लहंगे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर हैं इनमें भी।
और इसमें साइड में ही मैं इनके जो भी जो माला वगैरह रहती हैं, मुकुट रहते हैं, वो सब मैं इसी बॉक्स में आप रख देती हूँ। तो हर बार लेते हैं तो काफ़ी सारे देखे इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर हैं, सभी कलर्स हैं। तो इनको हम 9 दिनों तक आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सब मैंने यहाँ पे ही रख लिए हैं ताकि मुझे डेली ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से यहीं से मैं लेती रहूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी नवरात्रि से पहले की तैयारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। अब मिलेंगे कल नवरात्रि में, हो सका तो थोड़ा थोड़ा मैं व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। अच्छा लगता है, नवरात्रि के इतने अच्छे दिन हैं। बाय।